हम चाहे जीते या हारे, चर्चे तो बस हमारे ही होंगे। आज हम चले डॉग शो में एक्सपो रांची। अब छोटू जाए और लोगों की नजर ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में जब आज हम पहुंचे एक्सपो, तो सबके नजर मानो छोटू पर ही अटक गए थे। कोई देखकर डर रहा था तो कोई देखकर कह रहा था कि इसका नाम छोटू कैसे हो सकता है। ओ, ये कितना क्यूट है। ओ, ये चश्मा लगाकर कितना अच्छा लगता है। और फिर बारी आए लोगों के आने की, और लोग वहाँ जितने डॉग थे सबको छोड़कर तो छोटू के पास ही आ रहे थे। कोई कह रहा था मुझे भी ऐसा डॉग चाहिए, तो कोई कह रहा था अरे इसका बच्चा हो तो मुझे भी दे दीजिए ना। ऐसा करीब 30 मिनट बाद वक्त आया डॉग शो की, और कोई डॉग अपने कपड़े दिखा रहा था तो कोई अपना बिहेवियर, पर छोटू के पास तो सिर्फ लुक्स ही थे और एक चश्मा, वो भी उधारी का। तो छोटू बस इतना ही दिखाया, पर सच कहूँ तो बहुत बुरा लगता है। पूरे ऑडियंस में लोग सिर्फ छोटू पर ध्यान दे रहे थे, जजेस का ध्यान तो सिर्फ अपने जान पहचान के डॉग्स पर ही थे, और रिजल्ट में भी वो अपने जान पहचान के डॉग्स को ही विनर बनाए। और ऐसा आज नहीं, हर बार होता है एक्सपो में, इसीलिए हमने विनर का वीडियो नहीं लिया। हाँ, जरूर शायद जजेस को छोटू पसंद ना आए हो, पर और भी बहुत सारे डॉग्स डिजर्विंग तो जरूर थे, इतना पता था। खैर, हम गए तो छोटू को खुश करने, और इतने सारे लड़कियों को देखकर छोटू तो खुश तो जरूर हुआ होगा। बस यही काफी थी हमारे लिए। तो ये था एक्सपो रांची डॉग शो में हमारा एक्सपीरियंस। मिलते हैं न्यू वीडियो में।